आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते यानी केसु के पत्ते का आज रेसिपी। इसके लिए केसु का पत्ता और खटाई के लिए अमटे, प्याज एक मीडियम साइज का, प्याज एक बड़ा साइज का, लहसुन की कलियां एक चम्मच भर के, कच्चा ज़ीरा ये बाद में बोलती हूँ मैं, हरी मिर्च आप अरबी के पत्ते धो के रख ली हूँ मैं, इसको कट करने का तरीका बताती हूँ मैं। अच्छे से अरबी के पत्ते अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से साफ करके धो लेना, उसके बाद इसको ऐसे आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे डालने से थोड़ा अच्छा मजेगा, स्मूथ बनता है ये, थोड़ा वैसे थोड़ा ऐसे भी डाल सकते हो आप। ऐसा ऐसे करके आप सारे को, आप ज़्यादा या कम या ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा लेने से दिखने में ज़्यादा दिखेगा, पके पर थोड़ा ही होगा। अब मैं सभी करके बताती हूँ, सभी करके ऐसा करके काट ली हूँ मैं, आप देख सकते हो ये वेस्ट है, इसे यूज़ नहीं करना। इन सब करके इसी में एक बर्तन में रख दी हूँ मैं। अभी इसमें प्याज और ज़ीरा और लहसुन को डालेंगे इसी में। इन सभी को डाल दी हूँ मैं, ये बाद में आपको बताती हूँ। ये हरी मिर्च है, छोटा छोटा साइज का हरी मिर्च, इसको सुखा के मैं स्टोर करके रख ली थी। ये झाड़ में छोटा सा झाड़ है, घरों के पास रहता है, वही मिर्ची है। ये बहुत फीका रहता है, इसको ग्रीन रहने में ये बहुत फीका रहता है, इसको थोड़ा डालना चाहिए। अब मैं ड्राई किया हुआ है, धूप में सुखा के ड्राई करके रख दी थी एयरटाइट बॉक्स में डाल के। इसको आप चाहे तो ये डालो, इसके साथ कॉम्बिनेशन यही अच्छा है, वरना इस हरी मिर्ची को डाल सकते हैं दो या तीन। इसको मैं डंठल के हटा के पानी से धो के डालती हूँ, इसको अच्छे से धो लेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं इन सभी को, इसमें डालेंगे ये अमटे धो के अच्छे साफ करके रख ली हूँ मैं। आप कम या ज़्यादा ले सकते हो, ये लेते वक्त प्यारोट ग्रीन का नहीं लेना, ये डार्क ग्रीन का लेना है, इसमें अंदर हार्ड रहना चाहिए। वो प्यारोट ग्रीन कलर का रहता है, वो हार्ड नहीं होता इसके अंदर, हमने यही चाहिए। इसके लिए कॉम्बिनेशन ये आपको बाज़ार में आराम से मिलता है, अगर ये नहीं तो आप इमली भी डाल सकते हो, ये डालना ज़रूरी है इमली, वरना गला खुजाएगा। इसमें डाल के कूट के इसमें डालेंगे इन सभी को, कूट लियो मैं। आप खटाई के हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। 7 से 8 ले लियो मैं ऐसा कूट के, ऐसा हार्ड होना चाहिए इसका पार्ट अंदर का, इसका पूरा रस इस केसु के पत्ते में जाना चाहिए, इसी के लिए इसमें मिक्स कर देंगे। पूरा मैं डाल चुकी हूँ। अभी इसी में एक गिलास पानी डाल देंगे, नमक बाद में डालेंगे, इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। इसके ढक्कन लगा के गैस में चढ़ाएंगे, बाद गैस में रख दी हूँ मैं, 1.5 गिलास पानी डाल के इसको ढक के अच्छे से गलाएंगे सॉफ्ट होने तक थोड़ा, उसके बाद में मिलती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पकने के बाद थोड़ा कम हुआ है आप देख सकते हो, और भी इसको अच्छे से पका लेंगे। और भी पका लेंगे, खोल के देख लेंगे आप। बीच बीच में इसको चम्मच से हिलाते रहिए,
तले लग जाएगा। पानी को भी चकरते रहिए आप। और भी पका लेंगे इसको अच्छे से। ये भी अभी गलने के लिए रख देंगे इसको। ये पूरे तरीके से पकने तक इसको छोड़ देंगे। अब चक्कर के देखेंगे, 8 से 10 मिनट हो चुका है। अब पक चुका है, इसको पूरे तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस को कर देंगे बंद। बाद में मिलती हूँ मैं। कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसको ये अलग करके इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, बारीक करके ग्राइंड करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं। एक मिक्सी का जार लेके इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 प्याज करके इसमें पीस लेंगे। ये आमटे को, ये खटाई नहीं, इसको नहीं पीसना, इसको खाली सिर्फ इसको पीस लेंगे। बारीक पीस ली हूँ मैं, आप देख सकते हो। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और दूसरी प्याज को भी इसी तरह पीस लेंगे। आप चाहे तो दाल घोटनी के ज़रिए से भी इसको घोट सकते हो। मैं मिक्सी में डाल के पीस रही हूँ। पूरे अच्छे से डाल के साफ करके डालेंगे, इसमें डाल के पीस लेंगे। पीस चुकी हूँ, अब इसको भी इस बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छे से मिक्सी के जार साफ करके इसमें डाल लेंगे। मिक्सी के जार को अच्छे से साफ कर ली हूँ मैं। इसमें थोड़ा वही जार में पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा घट भी नहीं, वैसे इसको पानी मिलाएंगे। मिक्सी के जार में पानी डाल डाली हूँ और इसमें भी थोड़ा, इस बर्तन में भी थोड़ा पानी डाल के खंगाल के इसमें डालेंगे और ये भी डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं, इतना मीडियम है ये थिकनेस। इसी में अब नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। गैस में रख दी हूँ मैं पकने के लिए। ये अच्छे से उबाल आने तक इसको पका लेंगे। दूसरी तरफ हम तड़के के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए सूखी लाल मिर्च 2 से 3, लहसुन की कलियाँ कूट के रख ली हूँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें, और राई कड़ी पत्ता, ये ऑप्शनल है। प्याज चाहे तो डालो वरना स्किप भी कर सकते हो। राई थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें, राई भी ज़ीरा। और इसके तड़के के लिए ऑयल, कोकोनट ऑयल से ही बना सकते हो आप। इसमें मज़े का बनता है ये, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। कड़ी को गर्म होने के लिए रख दी थी मैं, गर्म हो चुका है। इसमें ऑयल डालेंगे, कोकोनट ऑयल। राई को डालेंगे इस चम्मच से, 2 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, लहसुन की कलियाँ, प्याज को डालेंगे, ऑप्शनल है ये, कड़ी पत्ता, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डाल देंगे हम मिर्च, लाल मिर्च को तोड़ के, सूखी लाल मिर्च को। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा हींग, ये भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो वरना नहीं। हींग इसको भी मिक्स कर लेंगे। ब्राउन कलर आ चुका है, इसी में डाल देंगे सूखी लाल मिर्च को,
तोड़ के रख ली हूँ मैं। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा मिक्स करके गैस को कर देंगे बंद। ये भी अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हो। स्लो करके इसमें इस तड़के को डाल देंगे। इसको ढक थोड़ी 2-3 मिनट ताकि खुशबू बाहर ना जाए, इसलिए तड़के का खुशबू। अभी 2-3 मिनट थोड़ा इसको ऐसे छोड़ देंगे। मिक्स अच्छे से मिक्स करके दो तीन मिनट तक इसको थोड़ा पका लेंगे तड़के वाला को। गैस को कर देंगे बंद। अब डिश आउट करके बताती हूँ आपको। डिश आउट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो अच्छा मज़े का बना है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, साल में एक मरतबा इस रेसिपी बनाकर खाइए। केसू का पत्ता यानी अरबी के पत्ते का कई सारे रेसिपी इससे बनता है, ये भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह का बनाकर आप ज़रूर ट्राई करके खाइए, बहुत मज़े का बना हुआ ये। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।